सतयुग में माता सीता ने अग्नि परीक्षा प्रजा के उठाए सवालों पर भगवान श्री राम ने मजबूरी में लिया था, लेकिन इस कलयुग में एक सीता ऐसी भी है जिसने अपने पति की बर्बरता और उसकी हैवानियत के चक्कर में और उसकी शक की नज़र के चक्कर में दी है। आपको बता दें ये परीक्षा उसने अपने गुप्त अंगों को सिलवा कर दी है। आपको बता दें ये मामला चुकाने वाला उस समय रामपुर में आया जब एक महिला रामपुर की मिलक में चिकित्सालय में भर्ती हुई और दर्द से तड़पती रही। उस बेरहम पति को बर्दाश्त ना हुई और उसने उसके हाथ पांव बांध कर जबरन उसके गुप्त अंगों को सिया। मैं आपको बता दूं ये घटना रामपुर मिलक क्षेत्र की बताई जा रही है। इस मामले में महिला के परिवार वालों ने तहरीर कोतवाली में दी है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि इतनी दर्दनाक घटना, इतनी हैवानियत भरी घटना रामपुर में घट जाती है और पुलिस के जवान सोते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें पति जो है, आरोपी पति फिलहाल मौके से फरार है। इस मामले में तहरीर तो ले ली, हिरासत में भी नहीं लिया गया। इतनी खतरनाक, इतनी दरिंदगी एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जो है निभाई है, जिसको बयां करते में भी जो है अफसोस हो रहा है। उसको जो है शक की नज़र से देखता है और शक इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपनी पत्नी की गुप्त अंगों को ही खुद जबरन एल्युमिनियम के तार से सी देता है। ये चौंकाने वाली, ये दर्द भरी जो है ये खबर रामपुर से आ रही है। इस मामले में हमने इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ मौके पे गांव वालों से पूछा तो बात कहीं ना कहीं हकीकत जो है वो सामने आई और घटना बिल्कुल सत्य पाई गई। इस मामले में पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, मगर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस घटना के बाद जब मीडिया ने इस मामले को उजागर किया, मीडिया वहाँ कवरेज की नहीं गई, तो आरोपी पति घर से ताला बनकर फरार हो गया। फिलहाल इस मामले में पीड़िता जो है दर्द जो है अपना झेल रही है और वो रामपुर की जो है मिलक चिकित्सालय में भर्ती है, जहां उसका उपचार चल रहा है। डॉक्टर जो है उसको रेफर करने की तैयारी में है। फिलहाल रामपुर में इतनी बड़ी घटना जो है ऐसे पतियों पर सवाल खड़े करती है जो इस तरीके की हरकत पर उतर आते हैं, दरिंदे बन जाते हैं, उनको महिलाओं को इस नज़र से देखते हैं कि इतनी शक की नज़र से देखते हैं कि उसके गुप्त अंगों को अपने हाथ से ही जबरन सील देता है। तो ऐसा भी कौन सा प्यार, ऐसा भी कौन सा शक जो इतना मजबूर हो जाए कि किसी की जिंदगी से खेल जाए। फिलहाल सवाल तो उठ ही रहे हैं, मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने क्यों ऐसे अपराधी पे एक्शन लिया, क्योंकि अगर एक्शन लिया होता तुरंत उसको हिरासत में लिया होता, कार्रवाई की जाती, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं सवाल जो है उठने लगे हैं, हिंदू वाहिनी के लोग भी जो है आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है खुल के, और हम क्यू टीवी भारत भी इसकी कड़ी निंदा करता है, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं को संरक्षण देने की बात करती है, मगर वहीं दूसरी तस्वीर रामपुर की इस खबर ने दिल दहला दिया। एक महिला के साथ इस दरिंदगी के साथ इतनी दरिंदगी हुई, मगर प्रशासन खामोश बैठा है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, रामपुर। हाँ। क्या बात हो गई? वो मेरे पति ने बेमी ने टांगे लगा ली अंदर भर दे मेरे शरीर में। क्या कहते हैं आपके पति? कंपेन चलाते हैं। नहीं, क्यों कर दिया ऐसा? वो ऐसा पापी है ना, मेरे को बोलने भी ना देता है, ना किसी के द्वारा बैठने ना देता है। बोलती हूँ तो ये कहते तू इसी से बोलती है, हर एक किसी के लिए पाप करता है। कितने साल होगा आपको शादी को? 2 साल हो जाएंगे आपकी बैसाख के बाद, यानी कि जून के, जून में। क्या बच्चे आपके? एक लड़की भाई, रक्षाबंधन के ऊपर खत्म हो गई, वो मारो उसने तब विंटर पर से ढकेल लाओ मिल रहा। फिर आपको कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं कही उस टाइम पर। अच्छा, आपके मायके वाले आए, उन्होंने क्या कहा? क्या मेरे मायके वालों को नहीं आए, मेरे मायके वाले समझाते रहते हैं पर नहीं मानते हैं। कब की घटना है? क्या मतलब? ये मतलब कब की बात है ये? जी आज की है, सुबह की, बिना बात के मतलब। हाँ, तो अब क्या कार्रवाई हुई है? जी अब तो बहन से करवा ना, उसका शक दूर हो गया कि हम लिट्टी छिड़वाना है तेरे। नहीं, अब क्या कार्रवाई की हुई है? आपस पर लाई है, कोई पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, एप्लीकेशन दी थाने में। मतलब आपके परिजनों को, मायके वाले जो है उनको सूचना दी गई है, वो लेके आया? आपको कौन लेके आया? या ससुराल वाले लेके आए? मेरे भैया लेके आए। भैया लेके आए आपके? हाँ। उन्हें किसने बताया? मैंने फोन किया है। तो फिर उसके बाद वहाँ घर पे कोई लेके नहीं आया आपको, जब आपने किसी ना, कोई नहीं लेके गया? वो मुझे को ऐसा करके भी कंपेन पे चले गया रठौंडा है। आपने मतलब ससुराल में आपके कौन कौन है? मेरे ससुराल में सास ससुर और जिठानी है। आपने किसी को नहीं बताया? बताया है मैंने। फिर क्या हुआ? मेरी सास ने समझा रही पर उसको गाली दे रही।
ना मानता उसने, एक दिन पहले भी मारो मेरे को बचा रही थी, पर उसने अपनी अम्मी को भी मारू। अच्छा सबको मारते हैं अंकल, सबको ऐसे समझ लू, जो बचाता उसको, सबको। वो इतने शेर बनते हैं ना।